हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। बहुत टाइम हो चुका है, मैंने वीडियो नहीं बनाया। शायद बेनेली इंपीरियल 400 के बारे में पहले भी वीडियो बनाना चाहिए था मुझे, बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। और अभी मैं बात करूंगा बेनेली इंपीरियल 400 के प्रॉब्लम्स के बारे में, कौन क्या इश्यूज आप फेस कर सकते हो उस मोटरसाइकिल में, कि आपको इतना ज़्यादा पैसा दे के इस मोटरसाइकिल को खरीदना चाहिए। बट उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिलेगा इस चैनल पर। अगर आपने बाकी वीडियोस चेक नहीं किया है तो बहुत सारे आपको सारे ऑलमोस्ट सारे बाइक्स के रिव्यूज मिल जाएंगे इस चैनल पे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सोच रहे हो बेनेली इंपीरियल 400 खरीदने का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे प्रोस का वीडियो आपको देखना चाहिए कि आपको क्यों ये मोटरसाइकिल खरीदना चाहिए। या अगर आप बेनेली 400 ओन करते हो और आपको ये देख के वीडियो बुरा लगेगा, देखिए कोई भी चीज़ हमें अच्छा चीज़ होता है, बुरा चीज़ भी होता है एक मोटरसाइकिल में। अच्छी चीज़ों के बारे में जब हम एक्सेप्ट करते हैं, बुराई के बारे में भी कभी कभी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि नो बाइक इज़ परफेक्ट। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो जिनके लिए ये प्रॉब्लम्स जो भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये प्रॉब्लम से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। अगर आप जानना चाहते हो बेनेली इंपीरियल 400 के कॉन्स, तो भी उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वीडियो। तो पहले कॉन के बारे में बात करूँ, पहले प्रॉब्लम के बारे में, वो है किक। अभी पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे किक स्टार्टर तो बहुत पर है बाइक्स में नहीं है आजकल, बट मैं मानता हूँ कि जो रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 है उसमें आपको उसमें किक स्टार्टर दिया है, तो कभी भी कोई भी इश्यू आ जाएगा तो आप किक मार के बाइक को चालू कर सकते हो। और बाकी के जितने भी मोटरसाइकिल्स है जैसे CB350, वहाँ पर भी किक नहीं है, ठीक है। बट बेनेली इंपीरियल 400 में अगर किक नहीं हुआ, मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, तो उसको रिपेयर करना बहुत मेहनत का काम रहने वाला है, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन है इंजन का, उसको रिपेयर करना उतना आसान नहीं है जितना क्लासिक 350 का है, क्योंकि क्लासिक 350 को रिपेयर करना इज़ मच ईजियर। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिलायबिलिटी की बात आता है, तो अगर आगे कुछ प्रॉब्लम हो गया और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, तो आपको बेनेली के सर्विस सेंटर पर लेके जाना पड़ेगा या उनको फ़ोन करना पड़ेगा, जिसका नंबर बहुत कम है। तो वो भी एक नेक्स्ट इशू है जिसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। सेकेंड इश्यू जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा हुआ है इसका, फिट फिनिश एंड क्वालिटी। तब मैं दूर से देखा तो मुझे लगा यार क्या फिट और क्या फिनिश है क्वालिटी का, क्योंकि तब दूर से देखता हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे जो डिटेल्स है आप उसको देखते हो तो आपको लगता है यार क्या डिज़ाइन किया है बेनेली ने। बट जब आप पास में जाके देखोगे और थोड़े टाइम के लिए यूज़ करोगे मोटरसाइकिल, तो आपको पता चलेगा कि क्वालिटी बहुत एरियाज में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अब मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ मोटरसाइकिल को, ऐसे छोटे मोटे चीज़ें देखता हूँ मोटरसाइकिल में, कुछ भी अगर छोटे मोटे मुझे क्वालिटी में इश्यूज लगा तो मैं इमीडिएटली नोटिस कर लेता हूँ। तो इसीलिए मुझे बेनेली 400 इंपीरियल के बहुत सारे एरियाज में थोड़ा क्वालिटीज़ का इशू लगा। हेडर पाइप्स का पेंट निकल रहा था, और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पेंट उसका जो पेंट है वो थोड़ा सा बाहर निकल रहा था। और उसके ऊपर एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, जो उसका फिटिंग है बहुत सारे पैनल्स का, उतना प्रॉपर नहीं है, ऐसा लगता नहीं है कि फिट एंड फिनिश 100% एक्सेलेंट है। इवन द टैंक पैड का जो रबर है उसका भी क्वालिटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, फिटिंग ऐसा लगता है कि गम में चिपका है, क्योंकि वो ऐसा कभी कभी बाहर आ रहा है और वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इतना पैसा देने के बाद मैं सोचता हूँ कि फिट फिनिश और क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब आप मोटरसाइकिल पर बैठ के मोटरसाइकिल को चलाते हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये बहुत क्वालिटी ऑफर कर रहा है, जो बाकी के मोटरसाइकिल स्पेशली क्लासिक 350 या CB350 ऑफर नहीं करता है। बट ऐसा चीज़ नहीं होता है बेनेली के साथ, क्योंकि बेनेली उतना अच्छा क्वालिटी ऑफर नहीं करता है। अभी थर्ड इशू के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जो सब लोगों को पता है, वो है इसका सर्विस नेटवर्क, डीलर नेटवर्क। क्योंकि सर्विसिंग की बात करें तो सर्विसिंग में तो बेनेली बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत कम जगह पे सर्विस सेंटर है, और इसके वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। जब बिग विंग से इतना इशू हो सकता है तो बेनेली उससे भी ख़राब है। आपके घर के पास अगर बेनेली का शोरूम नहीं है तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी नेक्स्ट इशू वो ये है कि अगर सर्विस सेंटर है आपके घर के पास तो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका जो सर्विस कॉस्ट है इसके प्राइस के जैसे बहुत महंगा है। तो अगर आप क्लासिक 350 देखोगे, उसका सबसे सस्ता है सर्विसिंग, और उसके बाद आता है आपका CB350 जो स्लाइटली थोड़ा सा महंगा है बट क्वालिटी भी ऑफर करता है। बट बेनेली का जो सर्विस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जितने उनके बाकी के मोटरसाइकिल्स है, क्योंकि मुझे बेनेली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि उनके जो मोटरसाइकिल्स है वो वैल्यू फॉर मनी होते हैं मोस्ट ऑफ देम। बट जब सर्विसिंग का टाइम आता है वो जितना पैसा वहाँ पे बचा लेते हो खरीदने के टाइम, वो पूरा वो लोग रिकवर कर लेते हैं सर्विसिंग के टाइम।
तो वो बहुत गलत चीज लगता है मुझे। ऐसा लगता है कि कस्टमर को चीट करना है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कस्टमर को एकदम बिट्रेयल लगता है कि यार मैं सोचा कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और पैसा बचाने के लिए मैंने मोटरसाइकिल लिया, अभी सर्विस का कॉस्ट इतना ज़्यादा है। वो बहुत गलत चीज़ है और बेनेली का मुझे ये प्रॉब्लम बहुत लगा था। बट अभी जब मैंने बेनेली इंपीरियल 400 का प्राइस देखा, सर्विस कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया, बट स्टिल CB350 से भी थोड़ा सा कॉस्टली है। तो अगर आप प्राइस आप पैसा बचाने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा आपको सर्विस थोड़ा सा महंगा लगेगा, मे बी अराउंड 1800 या 1900 सर्विस कॉस्ट, फ्री सर्विस का कॉस्ट रहने वाला है। और ये चीज़ अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला हु ओन बेनेली इंपीरियल 400, और जितने भी कस्टमर्स हैं जो चला रहे हैं उन्होंने मुझे ये बात बताया। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि आपका फर्स्ट फ्री सर्विस कॉस्ट आपको कितना लगे। नेक्स्ट बड़ा प्रॉब्लम है इसका रीसेल। आप इस बाइक को आप खरीदोगे तो उसको आप इसमें आपको रीसेल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये खरीदना है सेकेंड हैंड मार्केट में लोग सोचते हैं कि यार ये अगर मैंने बाइक खरीद लिया तो इसको मैं सर्विस कैसे कर पाऊंगा। एक तो इसका सर्विस कॉस्ट बहुत महंगा है और ये बाइक बहुत ज़्यादा रोड पर दिखता नहीं है, पार्ट का अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। तो रीसेल में भी यूज मार्केट में आपको इतना अच्छा रीसेल नहीं मिलता है जैसे क्लासिक 350 का मिलता है, क्योंकि क्लासिक 350 बहुत ही ज़्यादा है रोड्स पे, तो लोग डेफिनेटली वेट करते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता, तो यूज मार्केट में वो लोग सोचते रहते हैं कि बुलेट या क्लासिक कहाँ मिलेगा, उसके लिए आपको अच्छा रेट मिलता है उसमें। बट इस मोटरसाइकिल में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा रीसेल वैल्यू में, वो आपको ध्यान पर रखना जरूरी है। इसमें आपको थोड़ा रीसेल में प्रॉब्लम होगा, ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। अब मैं फ्यूल इंडिकेटर की बात करूँ, मोटरसाइकिल्स में बहुत सारे ऐसे मोटरसाइकिल्स हैं जहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, एक्यूरेट वैल्यूज नहीं बताता है। बट इस मोटरसाइकिल में मुझे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स लगा फ्यूल इंडिकेटर में, मुझे एक्यूरेट वैल्यूज़ बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था। तो ये डिपेंडेंट नहीं है फ्यूल इंडिकेटर, पता है माइनर इशू है बट बोलना ज़रूरी है कि क्योंकि मोटरसाइकिल को टूरिंग के लिए लेते हैं और ऐसे छोटे मोटे इशूज़ को के बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ और इसको मैंने कॉन्स में लिस्ट किया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक्सेसरीज का जो प्रॉब्लम CB350 में है वो सेम प्रॉब्लम्स इसमें भी आपको लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सेसरीज नहीं है बेनेली की तरफ से। बट अगर आप जावा देखोगे या मीटियोर देखोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज मिलता है, और जो क्लासिक 350 है उसमें आपको बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो बाइक के साथ। अगर आपको सीट अच्छा नहीं लगता तो आप कहीं से भी कोई भी मार्केट में जाके बोलोगे यार मुझे क्लासिक 350 का नया सीट चाहिए तो लोग आपको सीट चेंज करके दे देंगे। आप आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, जो बेनेली इंपीरियल 400 या इवन फॉर CB350 में पॉसिबल नहीं है। बट CB350 का तो एक हद तक एक्सेसरीज ऑफर किया गया है होंडा की तरफ से, बट यहाँ पे बेनेली की तरफ से बहुत कम एक्सेसरीज अवेलेबल है, ये चीज़ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप मुझे पूछोगे आपको बेनेली लेना चाहिए या नहीं, देखिए बेनेली एक सेंसिबल ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप सोचोगे क्योंकि बहुत महंगा है, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, और आप इतना पैसा लगा के ऐसे मोटरसाइकिल लोगे जिसमें आपको आगे 3-4 साल के बाद आपको पता है कि बहुत प्रॉब्लम्स होने वाला है, तो ऐसे मोटरसाइकिल को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बट परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं इस बाइक में जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने प्रोस वीडियो बनाया जिसमें आप मैंने बताया कि ये बाइक आपको क्यों लेना चाहिए, और डेफिनेटली आप खरीद सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि बेनेली को थोड़ा सा काम करना चाहिए, उसका प्राइस थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए, सर्विस कॉस्ट भी थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है सर्विस कॉस्ट ठीक है, बेनेली का एक ब्रांड है, इमेज है, बट ओवरऑल जो सर्विस सेंटर है वो भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, फिर आपको मैं बोलूँगा कि आप ये बाइक खरीद सकते हो। तब तक मैं आपको बोलूँगा आपको थोड़ा सा रिस्क लेंगे खरीदना है तो खरीद सकते हो, बट ये ध्यान पर रखिए आपके घर के पास बेनेली का शोरूम होना चाहिए और उसका सर्विस सेंटर का जो रिव्यू और रेटिंग है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय बाय।